नमस्कार मित्रों, आइए सप्लीमेंट्री रीडर के पहले लेसन से मैं आज इस वीडियो में अगले टॉपिक को बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले जितने भी टॉपिक हैं, जो भी पैराग्राफ है, इसके पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम यहाँ से इसको देखेंगे। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने एक ऐसा ही मशीन बनाया। इट वॉज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन, तब उसे क्या बुलाया गया था? टॉकिंग मशीन के नाम से बुलाया गया था। वी कॉल इट ग्रामोफोन नाउ, आज हम इसे ग्रामोफोन कह के बुलाते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, और उसी वर्ष उसे आमंत्रित किया गया द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। व्हाइट हाउस जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे, व्हाइट हाउस, ठीक है ना, वाशिंगटन। दिस इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उसी घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राष्ट्रपति रहते हैं। द एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिसन वहाँ गया टू शो हिज न्यू मशीन, अपने उस न्यू मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और यह पूरे अमेरिका में उसे प्रसिद्ध कर देता है। यानी कि जैसे उस मशीन को दिखाया जाता है, जैसे लोगों को पता चलता है, वह पूरे अमेरिका में फेमस हो जाता है। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरियस, अब वह बिल्कुल अपने आप में सफल था एंड प्रॉस्पेरियस, संपन्न था। ही ओड ऑल हिज दिस मदर हेल्प, इसने ये सारी चीज़ें उसने कैसे प्राप्त किया, तो अपनी माता की मदद के द्वारा, एंड इनकरेजमेंट, और उसके प्रोत्साहन के द्वारा, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा। ठीक है, अब आइए अगले टॉपिक के चलते हैं। तो इन मार्च 1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प पे उसने कार्य करना आरंभ कर दिया। पीपुल यूज कैंडल्स, लोग उसमें कैंडल्स यूज करते थे, मोमबत्तियाँ, एंड ऑयल लैम्प यूज करते थे इन दोज डे, उन दिनों। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, एडिसन ने उन लोगों से 2 वर्षों के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लॉफ एट हिम, सभी साइंटिस्ट जो भी वहाँ पे उपस्थित थे, सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। दे सेड, उन लोगों ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, एडिसन उन सब बातों पे चिंतित नहीं था। ही वर्क हार्डर एंड हार्डर, और अधिक कठिन परिश्रम करता गया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, कम से कम 1000 एक्सपेरिमेंट को उसने किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सभी जो है फेल्ड होते गए। बट ही डिड नॉट गिव अप हिज होप, लेकिन उसने अपने आशाओं को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, मैं अपने लोगों को दिए गए, अर्थात मैं अपने लोगों से जो मैंने वादा किया है, उसे ज़रूर मुझे पूरा करना है। ही सेड, उसने ऐसा कहा, टू हिमसेल्फ, स्वयं से, एंड वर्क हार्डर स्टिल, अब तब भी वह अधिक मतलब उसके बाद भी कठिन परिश्रम करता गया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह उस अपने विरुद्ध, अर्थात अपने विरुद्ध समय का, अपने उस समय का, अपने कठिन समय का पीछा करता गया। एट लास्ट ही सक्सेडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, और अंत में वह 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में लगभग सक्सेस हो गया, सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, कह रहा है कि ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880, 9 वर्ष के दिन, ही एंड हिज वर्कर्स पुट द इलेक्ट्रिक लैम्प लाइट इन हिज लेबोरेटरीज, कह रहा है ही एंड हिज वर्क, वह और उसके कार्य करने वाले, पुट अप हिज इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में उसे रखा। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, कह रहा है कि अमेरिका में चारों तरफ के जो भी लोग थे, सब लोग उस शानदार दृश्य को देखने आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, और एडिसन ने लोगों को जो वचन दिया था उसको पूरा कर दिया। ऑन 4 सितंबर 1882, फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, और 4 सितंबर को पहली बार 1882 में पूरा न्यूयॉर्क क्या हो गया, लाइट से जगमगा उठा, जल उठा। एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग हिज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
और एडिशन उस समय सेवा कर रहा था जिसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी समय सेवा उसने किया। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उसने युद्ध के समय 40 इन्वेंशन अर्थात ऐसा किया था। ही वॉज अवार्डेड ए मेडल फॉर ए सर्विस, और उसके लिए उस सेवा के लिए उसे अवार्ड किया गया था, पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था मेडल देकर के। इन 1929 1929 में द सिल्वर जुबली रजत जयंती के रूप में ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर। 1929 में रजत जयंती के रूप में एक बहुत ही अच्छा समारोह मनाया गया और बहुत ही शांत प्रिय, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, फरा कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें रिसीव किए एंड हॉनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और उसे सम्मानित किए। एडिशन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक प्रेसिडेंट, एडिशन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिशन उठा और प्रेसिडेंट को थैंक देने के लिए, बट सडनली फेलिंग, लेकिन अचानक बीमार हो गया, गिर पड़ा। हिज इलनेस बिकम वर्स, यानी कि जैसे बीमार हो गया वो, ही हिज इलनेस बिकम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। अचानक सुबह में 18 अक्टूबर 1931 में संडे के दिन, संडे मॉर्निंग के दिन उसकी मृत्यु हो गई। थस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, और इस प्रकार उस महत्वपूर्ण जीवन का अंत हुआ। इन रिच ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मनुष्य के जीवन को खुशियों से भर दिया था। ही सेड वंस, एक बार उसने कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनी थिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं कभी किसी चीज़ ऐसे चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो मनुष्य के जीवन को या जीवन को नष्ट करने वाला हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ऐसा कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, अब यह दुनिया बहुत लंबे समय से अंधेरे में रह रही है। आई वुड लाइक टू गिव अप द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, अब मैं संसार को, इस दुनिया को अधिक खुश और अधिक प्रकाश में देखना चाहता हूँ। मुझे यह पसंद है कि मैं इस दुनिया को अधिक खुश और प्रकाश में देखूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, अपने वचन को रखा, अपने वचन को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन मोर लाइट, उसका जो ग्रामोफोन था लोग उससे बात करके खुश रखते थे, और इलेक्ट्रिक लैंप जो उसका बनाया गया था उससे लोग अधिक लाइट अर्थात अधिक प्रकाश लेते थे। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश और संसार को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे अत्यधिक लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल्स शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, हर लड़के और लड़की को ऐसे महान उदाहरण को फॉलो करना चाहिए, ऐसे महान उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो मित्रों, आज का ये लेसन इसी में समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियोस को मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।